दोस्तों, इस दुनिया में जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु होना तय है। फिर भी ज्यादातर लोग ऐसे जी रहे होते हैं जैसे वो कभी नहीं मरने वाले। ऐसे लोगों की वास्तविकता से टक्कर होने से पहले ही जिंदगी इनका साथ छोड़ देती है और कई सारे अधूरे काम छोड़कर ही ये स्वर्गवासी हो जाते हैं। पर इस दुनिया में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब लोग अपने खुद के जनाजे से जिंदा उठ खड़े हो गए। शायद यमराज ने उनके अधूरे काम पूरे करने के लिए उन्हें फिर से धरती पर भेजा होगा। आज दोस्तों, यूनिवर्स एडवेंचर आपको ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बताएगा जो अपनी ही अंत यात्रा से जिंदा उठ खड़े हो गए। लेट्स बिगिन। नंबर 5, वूक पेरिक। दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति रहा होगा जिसने अपने खुद का जनाजा अपनी आंखों से देखा होगा? आप सोचेंगे कि शायद ऐसा कोई न हो, पर एक व्यक्ति है जिसने अपनी आंखों से अपना जनाजा देखा है, जिनका नाम है वूक पेरिक। सर्बिया के रहने वाले वूक को यह देखना था कि मरने के बाद कौन कौन से लोग उनके जनाजे में शरीक होने आते हैं। इसीलिए उन्होंने एक गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम किया कि उनकी मौत हो गई। उनके रिश्तेदारों को अंत यात्रा में शरीक होने का न्योता भी भेजा गया। वो वूक की अंत यात्रा में शरीक होने आ गए। इसके बाद उन्होंने अपनी अंत यात्रा करीब से देखी। मरने के बाद का माहौल कैसा होता है वो सब उन्होंने महसूस किया। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर कल्पना कीजिए, जब वूक ने लोगों को बताया कि मैं जिंदा हूँ तो क्या हालत हो गई होगी उनकी। वूक ने मरने का नाटक किया, ये सब लोगों को पता चला तो वह नाराज जरूर हो गए होंगे, पर वूक ने आखिरकार उनके जनाजे में शरीक होने वालों को शुक्रिया अदा किया। नंबर 4, एडिसन विक्यूना। 3 दिन से लापता इक्वाडोर में रहने वाले एडिसन विक्यूना नामक इंसान के साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। पुलिस को एक कार एक्सीडेंट में मरे एक इंसान की लाश मिल गई जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया था। पोस्टमार्टम में पता चला कि यह इंसान एडिसन विक्यूना है जो 3 दिन से लापता था। एडिसन के दोस्त और परिवार वाले जब उसका क्रियाक्रम कर रहे थे तभी खुद एडिसन वहां पहुंच गए। एडिसन को अपनी ही अंत यात्रा में जिंदा देख लोग घबरा गए। पता चला कि एडिसन तो 3 दिन तक दारू पी के कहीं पड़ा हुआ था, जो आज होश में आ गया और सीधे यहाँ चला आया। पोस्टमार्टम में हुई गड़बड़ी और बाकी सारी बात पता चलने के बाद उस अनजान लाश को फिर से शवालय में पहुंचा दिया गया। नंबर 3, वॉल्टर विलियम। मिसिसिपी में रहने वाले वॉल्टर विलियम की किसी वजह से मौत हो गई। 26 जनवरी 2014 को उन्हें मृत घोषित किया गया था। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद उनके शरीर को एक बैग में डाला गया। उनके शरीर को दफन करने के लिए ले जाया जा रहा था, पर उस बॉडी बैग में हलचल दिखाई दी। जब उस बॉडी बैग को फिर से खोला गया तो पता चला कि विलियम की सांस चल रही है। विलियम को अस्पताल ले जाया गया जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। पर असल कहानी यही खत्म नहीं होती। बचाए जाने के ठीक 2 हफ्ते बाद विलियम की फिर से मौत हो गई। पर इस समय डॉक्टर्स को 2 बार चेक करना पड़ा कि क्या सच में विलियम की मौत हो गई है या यमराज ने पिछली बार की तरह मजाक किया है। नंबर 2, मोहम्मद रेयान। सीरिया के दमास्कस प्रांत में जब सरकार ने आतंकियों के खात्मे के लिए हवाई हमले किए उसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरे हुए लोगों में मोहम्मद रेयान का नाम भी शामिल था। बम ब्लास्ट में खत्म लोगों में से ज्यादातर लोगों का शव नहीं मिला था, जिनमें मोहम्मद भी एक था। मोहम्मद के परिवार वालों ने मोहम्मद के शव के बिना ही उसकी अंत यात्रा का आयोजन किया जो उसके मौत के कुछ समय बाद होने वाला था। अंत यात्रा के शुरुआत होने के कुछ समय बाद ही मोहम्मद वहां पहुंच गया, जिसे देख सब हैरान रह गए। पता चला कि मोहम्मद 36 घंटे तक मलबे के नीचे फंसा हुआ था, जिससे बाहर निकल आने के बाद वो सीधे इस जगह पहुंच गया। मोहम्मद के सर पर और शरीर पर मलबे की धूल और मिट्टी अभी भी जमा हुई थी। मोहम्मद के पहुंचने के बाद उसकी अंत यात्रा को वहीं रोका गया। नंबर 1, हमदी हफीज अल नूबी। इजिप्ट के लक्सर होटल में वेटर का काम करने वाला 28 साल का हमदी हफीज अल नूबी को होटल में काम करते वक्त हार्ट अटैक आ गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसके परिवार वालों द्वारा उसकी बॉडी को घर ले जाया गया। मुस्लिम रीति रिवाज के तहत उस शरीर को नहलाया गया और दफन विधि के लिए तैयार किया गया। एक डॉक्टर द्वारा हमदी का डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया जाना था। इसी के चलते उस बॉडी का चेकअप करते वक्त डॉक्टर को पता चला कि हमदी का शरीर अभी भी गर्म है और उसकी सांसें चल रही है, जिसके बाद उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बचा ली गई। जहां मातम का माहौल बना हुआ था, अब वो जश्न में बदल गया। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूलें। और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।